एक गांव में एक लड़का रहता था जिसके पास करने के लिए कुछ भी न था। वो सारा दिन कभी इधर कभी उधर घूमता रहता और जहां पर उसे खाना मिलता वो खाना खाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसका शहर जाने को दिल करता है। जब वो शहर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक सेब की रेड़ी नजर आती है। उस रेड़ी से सेब उठाकर भागने की कोशिश करता है, मगर उस रेड़ी का मालिक चोर चोर कहकर चलाना शुरू कर देता है। वो डर के मारे भागते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। जब जंगल में पहुंचता है तो बहुत ही एक अजीब मंजर देखता है एक भेड़िया जिसकी दो टांगे टूटी हुई है रेंगते हुए उसके सामने से गुजर रहा होता है। उस लड़के को उस पर बड़ा तरस आता है। वो सोचता है कि वो कैसे इस जंगल में गुजारा करता होगा। हर जानवर उसकी जान का दुश्मन होगा। वो कैसे रात बसर करता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। ये सोच रहा होता है कि एक बहुत बड़ा शेर अपने मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए उसकी तरफ आता है। लड़का ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और दरख्त के ऊपर चढ़कर मंजर देखना शुरू कर देता है। वो शेर आता है, गोश्त का टुकड़ा उस भेड़िए के सामने रखता है और वो चला जाता है। भेड़िया बड़े आराम से वो गोश्त खाता है और दोबारा रेंगते हुए निकल पड़ता है। लड़का ये देखकर बहुत ही हैरान होता है। वो सोचता है यकीनन अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक के खाने का बंदोबस्त करता है, यकीनन उसने मेरे खाने का भी बंदोबस्त किया होगा। ये सोचकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि अभी कोई मेरे पास आएगा, मुझे खाना देगा और मैं खाना खाऊंगा, बिल्कुल उसी भेड़िए की तरह। इंतजार में दो दिन गुजर जाते हैं। भूख से बुरा हाल हो जाता है, मगर उसके पास कोई नहीं आता। वो थक हार कर उठता है और दोबारा गांव की तरफ चलता है। रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग मिलता है। वो बुजुर्ग को अपना सारा किस्सा सुना और पूछता है कि अल्लाह ताला ने उस भेड़िए के लिए खाने का बंदोबस्त किया हुआ है तो मेरे लिए क्यों नहीं बंदोबस्त किया, मैंने तो दो दिन इंतजार किया मगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई खाना नहीं भेजा। तो बुजुर्ग ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भी सोचा हुआ है, तुम्हारे लिए भी खाने का बंदोबस्त किया हुआ है, मगर अल्लाह ताला तुम्हें भेड़िए के रूप में नहीं देखना चाहता, अल्लाह ताला तुम्हें शेर के रूप में देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी हम दूसरों की किस्मत देखकर बहुत जेलस होते हैं, मगर क्या पता अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर हमारे लिए सोचा हुआ, तो हमें अपनी किस्मत पर यकीन रखना चाहिए और उस किस्मत पर यकीन रखते हुए मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।